नमस्कार दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि Xiaomi Lenovo One Plus ये इतना सस्ता कैसे मिल जाता है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आंदोलन और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल आंदोलन। तो आइए जान लेते हैं कि Xiaomi One Plus और Lenovo जैसे कंपनी वो कैसे सस्ता मोबाइल बना लेते हैं। दोस्तों, इसमें बात बहुत है, जो जो बात अच्छा नहीं लगता ये है कि ये सब मोबाइल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए ये सब मोबाइल वाला मतलब जो कंपनी होता है वो कुछ नहीं करता है, इसलिए आप लोगों को ये सस्ता मिल जाता है। ये बेसिक चीज़ है, तो ये बात आपको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, तो पूरा वीडियो आप देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले बता रहा हूँ, आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो आइए जान लेते हैं। तो Xiaomi Lenovo और OnePlus ये सब चाइनीज़ कंपनी है, तो उसका जो मोबाइल बनाने के लिए वो लोगों को जितना हार्डवेयर वो तो खुद बनाता है और सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, खुद अपना भी कुछ सॉफ्टवेयर उसका होता है, तो वो सब इसके लिए उतना ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करते। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एप्पल और आपका सैमसंग जितना खर्चा पड़ता है, तो उतना ये सब जैसे Xiaomi, OnePlus, Lenovo, Micromax ये सब कंपनी उतना खर्चा नहीं करता है, तो इसीलिए उसको मोबाइल बनाने के लिए बहुत कम खर्चा पड़ता है, तो आपको वो चीपर बहुत चीप मोबाइल आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो ये कैसे होता है, एक आपका मोबाइल बनाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसका जितना भी बनाने के लिए असेंबली का तो कॉस्ट लगता है, तो वो लोग करता क्या है कि आपका जो मोबाइल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाना है उसको वो जितना कम हो सके, जितना मतलब एकदम कम हो सके उसका खर्चा करता है। वो क्वालिटी का नहीं देखता है कि कैसे चीप मोबाइल एकदम कम दाम का मोबाइल बना सकता है, तो इसके लिए वो लोग सोचता है। और क्या, बड़ा कंपनी जैसे एप्पल, सैमसंग ये क्या करता है कि R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम करता है, रिसर्च करता है। जैसे सैमसंग डिस्प्ले के ऊपर मैं पिछले वीडियो में बताया था कि सैमसंग डिस्प्ले के ऊपर और एप्पल उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बहुत सारे अच्छे उसका क्वालिटी अच्छा करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च करता है, तो ये जितना छोटा कंपनी होता है ये उतना नहीं खर्चा करता है। तो एप्पल सैमसंग जितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करता है, तो Xiaomi Lenovo OnePlus ये सब इतना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं करता है, इसलिए उसका खर्चा जो है बच जाता है, तो इसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता, तो उसको जो पैसा बचता है तो वो आपको इसीलिए सस्ता मोबाइल प्रोवाइड करा सकता है, जो कि एप्पल, सैमसंग और सब बहुत सारे बड़े कंपनी प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मैं जितना वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले देखने को मौका मिले। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत आपके दोस्त जितना भी हो पहुँचे तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।